गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्वाड्रेट की हेल्प से फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस, इनको अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं और टेबल बनाते हैं। ये टेबल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इन तीनों से क्वेश्चन बनता है, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर साल, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपको ये टेबल भी बनानी पड़ेगी। ये टेबल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको टोटल 2 प्लांट स्पीशीज़ के लिए ये टेबल बना के बताऊँगी और आप उसको तैयार करेंगे, ठीक है। आपको बुक में 5 प्लांट स्पीशीज़ का दिया गया है। मैं आपको 2 से बताती हूँ। मैं सिर्फ आपको 2 बताऊँगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आगे के 3 आपको कैसे लिखना है और उसको अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल 8 कॉलम बनाए हैं, जिसमें से पहला कॉलम है नेम ऑफ प्लांट। यहाँ पे हमको जिस भी प्लांट स्पीशीज़ के बारे में डिटरमाइन करना है उसका बॉटनिकल नेम यहाँ लिखेंगे। देन यहाँ पे सेकंड कॉलम जो है, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट प्रेजेंट इन ईच क्वाड्रेट, यानी कि ईच क्वाड्रेट में नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट की संख्या आपको इन 5 इन 10 कॉलम्स में लिखनी है, इन 10 सब कॉलम्स में लिखनी है। थर्ड कॉलम की बात करें तो थर्ड कॉलम में टोटल नंबर ऑफ ईच प्लांट स्पीशीज लिखना है। फोर्थ में नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीशीज इज प्रेजेंट, ये लिखना है। यानी कि हमने 10 अलग अलग डायरेक्शन में फेंके थे, लेकिन कुछ क्वाड्रेट में हमको प्लांट स्पीशीज मिली थी, कुछ में नहीं मिली थी। तो जिसमें हमको मिली थी वो आपको यहाँ पे काउंट करके लिखना होगा, यहाँ पे फोर्थ कॉलम में। फिफ्थ जो है, इसमें आपको लिखना है टोटल आपने कितने क्वाड्रेट की स्टडी की है। आपने चाहे प्लांट स्पीशीज मिले या ना मिले, टोटल आपने 10 क्वाड्रेट यहाँ पे डाले थे प्लांट कम्युनिटी की फ्रिक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे 10 ही आएगा। देन फिर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में देखिए, फ्रिक्वेंसी हमेशा परसेंट में निकलती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हमेशा परसेंट में निकलती है। इसका फॉर्मूला कल बताया था मैंने आपको, यहाँ पे मैंने लेकिन शॉर्ट में लिख दिया है 4/5 × 100। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फोर्थ कॉलम पे क्या दिया है, नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीशीज इज प्रेजेंट, ठीक है। फिफ्थ पे क्या है, नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला होता है, यानी कि ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीशीज इज प्रेजेंट अपॉन नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड इंटू 100, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमेशा परसेंट में निकलेगी। अबंडेंस की बात करें तो अबंडेंस का फॉर्मूला है 3/4, यानी कि 3 वाला कॉलम ये रहा, टोटल नंबर ऑफ ईच प्लांट स्पीशीज अपॉन नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीशीज इज प्रेजेंट, ठीक है। देन फिर डेंसिटी फाइंड करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ईच प्लांट स्पीशीज अपॉन नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में भी आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है। पेपर में इन तीनों में से कोई एक आएगा तो आपको टोटल 6 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। आपको टोटल 6 कॉलम बनाने हैं, तीनों में से कोई एक ज़रूर आएगा और आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब हम बात करते हैं, अच्छा अब हम शुरू करते हैं अपना, ठीक है। अब हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं क्या, आपको यहाँ पे प्लांट स्पीशीज़ के बॉटनिकल नेम याद करने हैं। कॉलम्स में हेडिंग क्या क्या दी हुई है ये याद करना है, बस इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक में आपको बॉटनिकल नेम दिए हैं वही याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर पे लेके चल रहे हैं क्या, साइनोडॉन डैक्टिलॉन क्या है ये? ये धूप ग्रास है जो पूजन सामग्री में काम आती है, ठीक है। इसको धूप ग्रास बोलते हैं और
मैंने इसका ब्रैकेट में नेम भी लिख दिया है, इसका बॉटनिकल नेम है साइनोडॉन डैक्टिलॉन। अब हमको यहाँ पे हमने जब 10 बार क्वाड्रेट अलग अलग डायरेक्शन में फेंके तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइनोडॉन डैक्टिलॉन की स्पीशीज कितनी मिली हैं वो यहाँ पे नंबरिंग लिखेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ज़रूरी नहीं है कि सब सारे क्वाड्रेट्स में हम नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ को प्रेजेंट करें, क्योंकि हम रियल में तो करने जा नहीं रहे, लेकिन हमको आपकी कॉपी में टेबल तो बनानी है ना, तो वो वहाँ पे हम इमेजिन करके कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, ये कर दिया हमने, ये नंबर डाल दिए हमने। ठीक है, अब हमको क्या करना है, थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे? थर्ड कॉलम क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ ईच प्लांट स्पीशीज, इन सब को प्लस करके लिखना है, इन सब को हमको प्लस करके लिखना है, यानी कि 9, 9 + 3 = 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये आ गया अपना 24। ठीक है, ये क्या आ गया 24। और फोर्थ कॉलम में क्या लिखना है, नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीशीज इज प्रेजेंट, यानी कि हमने टोटल कितने क्वाड्रेट में हमको स्पीशीज मिली हैं, हमको टोटल 8 क्वाड्रेट में मिली हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8। नंबर ऑफ क्वाड्रेट कितने डाले थे हमने, 10 डाले थे। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं कि हमने सही प्लस किया है या नहीं। 9 + 10 9 + 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 4/5, यानी कि 4/4 कॉलम में क्या लिखा है, 8 लिखा है, फिफ्थ कॉलम में क्या लिखा है, 10 लिखा है। ठीक है, इनटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 80% आपका फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब हम बात करते हैं अबंडेंस की। अबंडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अबंडेंस का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, अबंडेंस का फॉर्मूला है 3/4, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24/8। ठीक है, 24/8, यानी कि यहाँ पे आपका अबंडेंस आ जाती है 3। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला है 3/5, यानी कि 24/10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 24/10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.4 आपका डेंसिटी हो जाएगी। इतना सबको क्लियर है? ये हमने साइनोडॉन डैक्टिलॉन की फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस, इन तीनों को फाइंड किया है। अब हम आते हैं, अब मैं दूसरी आपको प्लांट स्पीशीज बता रही हूँ, ठीक है, जो है क्या, इक्लिप्टा एल्बा। यहाँ पे बॉटनिकल नेम ही लिखना है सबका, आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, भृंगराज। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, भृंगराज। अब इसके हमको नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, एब्सेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एब्सेंट भी कर सकते हैं अपन। ये लिख दिया मैंने, अब यहाँ पे हमको इसको ऐड करके लिखना है। ठीक है, तो 5, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 हो गया। 14 में अब देखिए, हमने यहाँ पे 10 क्वाड्रेट्स डाले थे, लेकिन हमको प्लांट स्पीशीज़ कितने में मिली हैं, ये हमें काउंट करके लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में मिली हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वाड्रेट तो हमने 10 ही डाले थे, तो ये 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 6/10, यानी कि देखिए 4/5 लिखा है ना, तो 6/10 × 100, देन यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 60% आ जाएगा आपका। अब क्या करना है, अब हमको अबंडेंस निकालनी है। अबंडेंस का फॉर्मूला क्या है, अबंडेंस का फॉर्मूला है 3/4, यानी कि
आपका 14 अपॉन 6, इसको अपन करेंगे सॉल्व तो आपका आ जाएगा अबंडेंस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका अबंडेंस आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.3। अब इसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 3/5, यानी कि कितना हो गया 14/10। ठीक है, कितना हो गया 14/10, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.4। तो ऐसे अपन किसी भी प्लांट स्पीशीज़ की फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये टेबल सबको तैयार करनी है, मुझे किसी से कोई बहाना नहीं सुनना है, ये टेबल सबको तैयार करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल फाइल में भी आपकी ये टेबल्स बनेंगी इंडिविजुअली, एक टेबल फ्रिक्वेंसी की बनेगी, एक अबंडेंस की बनेगी और एक डेंसिटी की बनेगी। इसलिए मैं इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल के लिए इमेजेस भी सेंड कर दूँगी, लेकिन आप इसको अपने थ्योरी के लिए अच्छे से तैयार कर लो, जिससे यहाँ से आपके नंबर कहीं ना जाएं। ठीक है, आज का क्लास आपका यहीं तक है। रॉन कायर लाइफ फॉर्म अब मैं आपको कल बताऊँगी। ठीक है, तो एक दिन और आपका एक्सटेंड हो जाएगा। कल आपका सिलेबस, आपका जो थर्ड यूनिट है, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी। ठीक है।